वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, टुडे इज एज यूजुअल ए वेरी प्लीजेंट मॉर्निंग और हम जा रहे हैं मुजफ्फरपुर से पटना। एक्चुअली मैंने मुजफ्फरपुर सिटी का वीडियो बनाया था, पटना का बनाया हूँ। लास्ट टाइम पूर्वांचल एक्सप्रेसवे गए थे हम लोग, उसका बनाया था, लेकिन मैंने अभी तक मुजफ्फरपुर टू पटना नहीं बनाया था। तो आज सोचा मैंने आज मुजफ्फरपुर से पटना बनाते हैं। तो चलिए, अभी अभी मैं अपने घर से निकला बेला से और हमें जाना है राजेंद्र नगर पटना। गूगल के हिसाब से 69 किलोमीटर है डिस्टेंस यहाँ से डेस्टिनेशन हमारा, और टाइम लगेगा 2 घंटे 2 मिनट। 100% सेतु पे या कहीं पे कोई जैम टाइप का सिचुएशन है। तो चलिए सफ़र को आगे बढ़ाते हैं और आपको मेरे गोप्रो से मुजफ्फरपुर से पटना जाने का रूट दिखाते हैं। और चलिए आप वीडियो एंजॉय कीजिए। हम जाएंगे अभी मिठनपुरा चौक, फिर वहाँ से लेफ्ट लेके अघोरिया बाजार चौक, फिर वहाँ से भी लेफ्ट लेके RDS कॉलेज होते हुए रामदयालु नगर निकलेंगे। अरे यू नो फ्रेंड्स, टुडे आई एम लकी। मुझे ये मिठनपुरा चौक के पास वाला रेलवे फाटक क्लोज नहीं मिला। ये तो आजकल यहाँ पे भी इतना रश लगने लगा है, मैं आपको क्या बताऊँ। यहाँ पे भी फ्लाईओवर बनने का हाई टाइम है, अभी ट्रैफिक बढ़ते जा रहे हैं और हम अघोरिया बाजार चौक आ गए हैं। और एज यूजुअल थोड़ा सा रश रहता है यहाँ पे। बस यहाँ से मैं लेफ्ट लेना है रामदयालु नगर की तरफ जाने के लिए। और हम रामदयालु आ चुके हैं। एक्चुअली हम लोगों को 2 रेलवे फाटक क्रॉस करना पड़ता है। एक आता है सतपुरा में मिठनपुरा चौक के पास और सेकंड है रामदयालु नगर। आप जब यह दोनों को पास करोगे तो मैक्सिमम चांसेस रहते हैं कि आपको दोनों में से एक बंद मिले या दोनों बंद मिले। कोइंसिडेंटली आज मुझे दोनों ओपन मिला। थोड़ा सा रश है यहाँ पे, तो चलिए जल्दी से रश से निकलते हैं, फिर आपसे हाईवे पे मिलते हैं। ये आप लेफ्ट साइड में बस देख रहे होंगे, ये मुजफ्फरपुर से पटना जो बसें जाती हैं उनका एक स्टॉप यहाँ रामदयालु नगर पे है, तो वही बस रुकी है। तो जिन लोगों को पटना जाना हो उनको, सारे लोगों को बस स्टैंड जाने की ज़रूरत नहीं है, रामदयालु नगर पे भी बस मिल जाती है। मुजफ्फरपुर सिटी वालों को अच्छे से पता होगा ये। चलिए अभी हमें पेट्रोल भी लेना है, तो पेट्रोल हम लेंगे रिलायंस पेट्रोल पंप से जो रामदयालु नगर से तुर्की के बीच में है। ये रामदयालु नगर टू सकरी रोड है और ये 2 लेन का हुआ करता था, तो अभी इसको 4 लेन बनाने का काम चल रहा है। देखिए मेरे राइट साइड में, इसे 4 लेन बनाना बहुत ही इम्पोर्टेंट था क्योंकि एक्चुअली टोल रोड जो है वो स्टार्ट होता है सकरी से लेके हाजीपुर तक, तो ये जो पैच था सकरी से लेके रामदयालु नगर का ये अनअटेंडेड था। तो चलिए कुछ अच्छा देखने को मिल रहा है।
जिसका हमें इंतजार था वो आ गया। मुझे पेट्रोल लेना है और रिलायंस का पेट्रोल पंप सामने है, तो चलिए पेट्रोल लेते हैं फिर निकलते हैं यहाँ से। यहाँ पेट्रोल नहीं है, नेक्स्ट प्लेस पे देखना होगा। सकरी स्टार्ट आ गए, ये हम सकरी पहुंच चुके हैं और यहाँ से ट्रेन लोड स्टार्ट होता है जो एंड होता है हाजीपुर में। ये हम तुर्की पहुंच चुके हैं, रामदयालु नगर के बाद अगला स्टेशन है टुवर्ड्स हाजीपुर। ऐसे ऐसे छोटे छोटे प्लेसेस पे तुर्की, फिर गुरौल, ये सब पे फ्लाईओवर बने हुए हैं। और आपको तुर्की गांव जाना हो या जाना हो तो आपको फ्लाईओवर के नीचे से जाके राइट लेके जाना होगा। हम बलिया पहुंच चुके हैं, इसके बाद गुरौल आएगा। चलिए अभी सुबह का टाइम है, 7:15 बज रहे हैं, तो ज़्यादा धूप भी नहीं है और हवा में भी ठंडक है, इसलिए बाइक चलाने में अच्छा लग रहा है। फिर हम रजला पहुंचे हैं, आपको बाकी जाना हो तो यहाँ से लेफ्ट लेना होगा। गुरौल यहाँ से 4 किलोमीटर और है, फपुली आ चुके हैं। लालगंज जाने का रास्ता यहाँ से राइट लेता है और पटेरा टोल प्लाजा यहाँ से 18 किलोमीटर है, पटना 51 किलोमीटर है, हाजीपुर 32 किलोमीटर है। रोड क्रॉस करते हैं बीच में और हम गुरौल पहुंचने वाले हैं। ये फ्लाईओवर पार करेंगे और गुरौल आ जाएगा।
गुरौल पहुंच चुके हैं। चलिए अब हाजीपुर यहाँ से 28 किलोमीटर है लगभग, तो हम उम्मीद करते हैं स्पीड लिमिट 80 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से 40 मिनट के करीब लगेगा। पटना मुजफ्फरपुर ये जो हाजीपुर मुजफ्फरपुर 4 लेन रोड पे, इस रोड पे फेंसिंग नहीं है। आप देखिए लेफ्ट साइड ओपन है, तो बहुत सारे ओकेजन पे नील गाय सामने आ जाती है, कभी कोई भी जानवर सामने आ जाता है तो एक्सीडेंट होने के चांसेस रहते हैं, तो एक्सीडेंट होने का चांसेस रहता है, तो इसको भी अगर फेंस कर दिया जाता तो थोड़ा कन्वीनियंट होता, बट 4 लेन में शायद फेंस नहीं होता होगा। एटलीस्ट 6 लेन हो तो फेंसिंग करना ईजी होगा, मे बी शायद ये रीजन हो। तो अभी हम भगवानपुर के सब्जी मार्केट में हैं, ये देखिए सुबह सुबह यहाँ भीड़ होती है। वैशाली डिस्ट्रिक्ट में एंटर हो चुके थे, अभी हम मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट के बाद वैशाली डिस्ट्रिक्ट में हैं। वैशाली डिस्ट्रिक्ट को विश्व का पहला गणतंत्र बोला जाता है, फर्स्ट रिपब्लिक ऑफ द वर्ल्ड। कभी भी इस रूट से पटना जा रहे हों या पटना से आ रहे हों तो मैं आपको एक सजेशन देता हूँ, अगर आप मिठाइयाँ और समोसे के शौकीन हैं तो आप आगे साहू मिष्ठान भंडार है, एक बार इस पर ज़रूर ट्राई करें। इनके जो समोसे, ये साहू मिष्ठान भंडार, इनके अंदर समोसा मिलता है वो कढ़ी के साथ, माशाअल्लाह औसम होता है, औसम, एक बार ट्राई जरूर करें। तो आगे हमें पटेरा टोल प्लाजा मिलेगा, वहां से हाजीपुर लगभग 13 किलोमीटर है, तो चलिए टोल प्लाजा पे पहुंचते हैं और 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं वहां पे, फिर आगे निकलेंगे पटना के लिए। और हम पटेरा टोल प्लाजा पे आ चुके हैं, पहले मैं यहाँ ब्रेक लेने वाला था लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ 30 किलोमीटर जाने पे जीपीएस बता रहा है 1.5 घंटा लगेगा, तो मैंने सोचा आज ऑफिस भी पकड़ना है तो समय बर्बाद करके फायदा नहीं, निकल चलते हैं। चलिए चलते हैं। ललन सिंह ढाबा हमारे लेफ्ट साइड में, मुजफ्फरपुर वालों को बताने की जरूरत नहीं है इसके बारे में, लाजवाब खाने मिलते हैं यहाँ पे।
हम हाजीपुर से जस्ट 5 किलोमीटर दूर हैं। मुझे जल्दी से रिफिलिंग करनी है। अभी जस्ट नॉमिनल अमाउंट का फ्यूल लूंगा, 200-250 रुपये, कि मुझे सारे फ्यूल स्टेशन पे विश्वास नहीं होता है कि सही फ्यूल देंगे नहीं देंगे, इसलिए भी उतना ही फ्यूल लेते हैं जितने में पटना पहुंच जाए आराम से, और थोड़ा सा बैकअप रहे 1-2 दिन ऑफिस आने जाने के लिए और फ्यूल पंप पे जाने के लिए। तो चलिए जल्दी से रिफिलिंग कराते हैं। पेट्रोल लेते हैं यहाँ से फिर निकलते हैं। आज का पेट्रोल का रेट 116.29 रुपये है। अब यहाँ से निकलते हैं पटना के लिए। चलिए 4 किलोमीटर और है फिर हमें पटना के लिए मुड़ना है इस हाईवे से। और कल जब मैंने पेट्रोल लिया उसके बाद से मेरी बाइक ने गजब की फ्यूल इकोनॉमी दी है। कुछ देर पहले तक 37-38 चल रहा था और अभी भी एवरेज फ्यूल कंजम्पशन 109.5 किलोमीटर्स के लिए 34 है, जो कि एक 400 cc के बाइक के लिए मोर देन सफिशियंट है। और हम हाजीपुर पहुंच चुके हैं। ये रोड लेफ्ट साइड महुआ जाती है, मैं स्ट्रेट चलना है। अब ये 19 किलोमीटर जाने के लिए मैप मुझे बता रहा है 1 घंटा 16 मिनट लगेगा। अब मुझे डिसाइड करना है आगे चल के कि मैं वाया गांधी सेतु चलूं या जेपी सेतु से जाना होगा वाया सोनपुर, क्योंकि यार मैं रश में फंसना नहीं चाहता हूँ। और हम रामाशीष चौक गोलंबर पे आ चुके हैं। यहाँ से हमें लेफ्ट लेना है पटना जाने के लिए। चलिए गांधी सेतु की तरफ चलते हैं। मैप में तो अभी भी दिखा रहा है 1 घंटा 15 मिनट, लेकिन मैंने सोचा क्योंकि हम बाइक से हैं इसलिए चलिए रिस्क ले लेते हैं, इनकेस बहुत रश दिखा तो वापस आ जाएंगे आगे से। आप 2-व्हीलर से हो तो आपके पास, आप एज पे हो क्योंकि आप वापस से टर्न करके आ सकते हो, क्योंकि अपोजिट साइड से ट्रैफिक आ रहा है इसलिए मुझे लगता है कि अब ओपन हो गया होगा और गूगल पे अपडेट नहीं हुआ होगा। चलिए पूरा डेड है, लेकिन अब आगे देखना पड़ेगा जाम है या नहीं। टर्न लेके चलना होगा। चलिए वापस होके चलते हैं। आप कुछ दूर रॉन्ग साइड जाना होगा।
चलिए सामने से कट लेके अंदर इस साइड हो जाते हैं अपने एक्चुअल लेन में। तो अभी मैंने डिसाइड किया हम रिस्क नहीं लेंगे, गांधी सेतु से नहीं दीघा होते हुए चलेंगे। ये पासवान चौक का थोड़ा सा जाम है। कल हम नीचे से गए थे मुजफ्फरपुर जाने के लिए, अब ऊपर से जाना होगा इस फ्लाईओवर से। दीघा होते हुए पटना जाना होगा आज उसके लिए, क्योंकि गांधी सेतु पूरा जाम है। और चूंकि आज मंडे है मुझे ऑफिस भी जाना है। अभी हम हाजीपुर में ही हैं और आप देख रहे होंगे आगे गंडक नदी पे ये जो सामने वाला पुल है, इसको जैसे ही हम क्रॉस करेंगे हम सोनपुर पहुंच जाएंगे। और अभी हमें दीघा जेपी सेतु पे जाना है, जिसके लिए 7 किलोमीटर और है। 7 किलोमीटर पे लालू यादव चौक है, वहां से हमें लेफ्ट लेना होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब 4 किलोमीटर से हमें लेफ्ट घूमना है जयप्रकाश नारायण सेतु के लिए, इसको जेपी सेतु भी बोलते हैं। और इस रोड पे हम स्ट्रेट जाएंगे, देखिए बोर्ड पे बताया है आप छपरा जाएंगे इस रोड से स्ट्रेट जाने पे। हम लालू यादव चौक पहुंच चुके हैं, हम यहाँ से लेफ्ट लेंगे जेपी सेतु की तरफ जाने के लिए। और सामने देखिए मेरे टनल। ये ऊपर से रेलवे लाइन गया है तो उसके नीचे से बनाया है इसको, और कितने अच्छे से बनाया है, मजा आ गया देख के। और देखिए दीवारों पे मधुबनी पेंटिंग है। बस आगे 500 मीटर से हमें लेफ्ट लेना है। ये जिस रोड पे अभी हम हैं ये पलेजा घाट रोड है। ये आगे भी रस दिख रहा है यार। हम बजरंग चौक पहुंच चुके हैं, अब यहां से हम लेफ्ट लेंगे टुवर्ड्स पटना। यहां से हम राइट लेंगे तो आगे एक टी पॉइंट आएगा, उस टी पॉइंट से लेफ्ट लेने पे आप छपरा की तरफ जा सकते हैं।
हम लोगों ने यहाँ से लेफ्ट लिया। चलिए, पूरा रश है यार, पता नहीं क्या हुआ है यहाँ पे। लग रहा है कोई एक्सीडेंट हुआ है। हाँ यार, एक्सीडेंट ही हुआ है, सामने एक्सीडेंट हुआ है। और मैं उम्मीद, मैं प्रे करता हूँ भगवान से सारे लोग ठीक होंगे। ये देखिए, एक्सीडेंट्स आर वेरी पेनफुल। स्पीड लिमिट के अंदर ही बाइक या कार चलानी चाहिए। चलिए हम जेपी सेतु पे चलते हैं। ये बहुत रेल रोड ब्रिज, कंबाइंड ब्रिज है ये। वो देखिए रेलवे लाइन है और ये रोड है। आगे जाके ऊपर से रोड रहेगा, नीचे से रेलवे लाइन रहेगी। फ्रेंड्स, हम जेपी सेतु क्रॉस कर चुके हैं। एक एक्सीडेंट हुआ था जिसके कारण थोड़ा वहाँ जाम लगा था, तो वहाँ हमें 5 मिनट टाइम एक्स्ट्रा लगा। तो अभी हम जेपी सेतु क्रॉस कर चुके हैं। हमें राजेंद्र नगर जाना है, वो अभी यहाँ से लगभग 15 किलोमीटर है। मैप बता रहा है हमें आधे घंटे लगेंगे, और आज ऑफिस भी जाना है इसलिए थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा। चलिए अब हमें आगे से लेफ्ट लेना है गांधी मैदान की तरफ जाने के लिए। तो मैंने सोचा है आगे दीघा का सब्जी मार्केट है, उसको क्रॉस करके फिर अटल पथ से होते हुए चलेंगे, क्योंकि अभी रश का टाइम है। अभी अगर स्ट्रेट जाएंगे तो बहुत ही रश मिलेगा, आप देख सकते होंगे वीडियो में। अभी से ही रश शुरू हो गया है रोड पे, जबकि अभी सुबह के 8:30 बज रहे हैं। ऑफिस के लिए लोग जनरली 9 बजे से निकलते हैं। चलिए, अटल पथ जाने के लिए यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर के बाद राइड लेना है, फिर अटल पथ होते हुए आर ब्लॉक चलेंगे, फिर आर ब्लॉक से फ्लाईओवर लेते हुए चिरेगा टापोल होते हुए राजेंद्र नगर चलेंगे, जो आज का डेस्टिनेशन है हमारा।
राइट लिए और सामने फ्लाईओवर आ रहा है उसको पकड़ के हम डायरेक्ट निकलते हैं चिरैया टापूल होते हुए कंकड़बाग। सो थैंक यू फ्रेंड्स मुजफ्फरपुर से पटना ब्लॉग देखने के लिए। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके सब्सक्राइब करने से और वीडियो को शेयर करने से बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और ये मुझे मोटिवेट और भी करेगा अच्छे अच्छे कंटेंट बनाने को। तो चलिए फ्रेंड्स अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और अपना बहुत ही अच्छे से ध्यान रखिए। Take care.